हेलो फ्रेंड्स, मैं अधिपर शर्मा आप सबको अपने इलेक्ट्रल इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि ये ग्राइंड में कितने टाइप्स के होते हैं और इसका पार्ट्स बाय पार्ट्स नाम जानेंगे और इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं ये जानने वाले। तो पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये ग्राइंड है, अगर टाइप में इसको डिफाइन करें मतलब बांटे तो ये दो टाइप का होता है, एक सिंगल कंप्रेसर और एक डबल कंप्रेसर। जो हमारे हाथों में अभी वो डबल कंप्रेसर का है, सिंगल कंप्रेसर अभी हमारे पास नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखा रहे, पर आपको फोटो में यह दिख जाएगी, ठीक है। और सिंगल कंप्रेसर का डबल कंप्रेसर में भी दो टाइप का होता है, जैसे एक होता है वाटर प्रूफ आर्मर और नॉन आर्मर, और दूसरा फ्लेम प्रूफ आर्मर और नॉन आर्मर होता है। दोस्तों, इस सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे कि सिंगल कंप्रेसर कैसा होता है और उस सारे पार्ट्स का क्या नाम होता है जो पार्ट्स उसमें लगे रहती है, और डबल कंप्रेसर जो ग्लैंड है उसका क्या उस पार्ट्स का नाम जानेंगे, उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं और कौन सा कहाँ पे यूज करते हैं ये देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लैंड को कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हम जो यूज करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है या हजारस एरिया है, ठीक है। उसके बाद से एनवायरमेंट कैसा है रहने वाला है वो हम लोग देख लेंगे, मीन्स आउटडोर के लिए है कि इनडोर के लिए है। उसके बाद से जो केबल का डायमीटर है वो देख लेंगे, केबल ओवरऑल केबल का डायमीटर क्या है। और फिर जब केबल जब हम लोग ग्लैंड खरीदेंगे तो उसका इनर डायर देख लेंगे, इसका इनर डायर क्या है, ये जो है उस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब उसके बाद से आप चलिए देख लेते हैं कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो आर्मर केबल में ग्लाइंड लगा रहता है उसमें क्या होता है, और विदाउट आर्मर केबल में ग्लाइंड जो लगा रहता है उस दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले केबल को असेंबल कैसे करते हैं ये आपको बताया है, अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले आपको नाम बताऊंगा वन बाय वन के इस कभी कौन से पार्ट्स को क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो है ये होता है हमारा लॉक नट, ठीक है। ये क्या होता है कि जहाँ पर लगाना रहता है तो इसको ओपन करने के बाद से हम लोग जाके कहीं फिट करना रहता है वो फिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये पॉइंट आ जाता है हमारा, तो ये क्या है हमारा वाशर, इसका नाम इसको बोलते हैं वाशर, ठीक है। फिर ये पॉइंट आता है ये जो हमारे हाथों में घूम रहा है, इसका नाम है आर्मर क्लैंपिंग नट, ठीक है। क्योंकि ये जो है डबल कंप्रेसर है और ये आर्मर वाली ग्लाइंड है, मैंने आपको पहले ही टाइप्स इसका बता दिया कौन सा है, तो ये वाटरप्रूफ आर्मर केबल ग्राइंड है, ठीक। तो इसको बोलते हैं आर्मर क्लैंपिंग नट। उसके बाद से अब आ जाता है ये पॉइंट, ठीक है। ये होता है ग्लैंड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं ग्लैंड बॉडी बोलते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये जो आउटर सील नट, इसको आउटर सील नट बोलते हैं, जो ये भी कंप्रेस करने का ही काम आता है। अब इसके अंदर का भी पार्ट्स जो है वो भी आपको बताता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए पूरे ओपन हो चुका है। अब इसमें पूरे पार्ट्स टू पार्ट बता दिए, जैसे इसने इसका मैंने बता दिया लॉक नट, ये हो गया वाशर, और ये हो गया हमारा जो पॉइंट था आर्मर क्लैंपिंग कोन था, सॉरी ये जो हमारा पॉइंट था आर्मर क्लैंपिंग नट था, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसका बताया था जो आउटर सील नट था, ठीक। और ये जो बोर्ड था नाम इसका ग्लैंड बॉडी, ठीक है, ये तो आपको बता चुका था। अब इसका नाम है, ठीक है, अब इसका नाम बता देता हूँ आपको क्या है। जो ये हमारे हाथों में देख रहे हैं ये क्या है आर्मर क्लैंपिंग कोन है। इसमें क्या होता है, अगर आप वो वीडियो हमारा देखे होंगे कि कैसे इसको असेंबल करते हैं, केबल कैसे भरते हैं, तो क्या होता है आर्मर इस पर जाता है तो, और उस ऊपर से ये जो होता है क्या नाम है इसका आर्मर क्लैंपिंग रिंग, तो ये जाके इस पे लगाता है, तो आर्मर को क्या होता है प्रेस करके रख लेता है। जैसे मैं आपको वीडियो आप फोटो में ये बगल के फोटो में देख रहे होंगे कैसे इस पे लगा हुआ है। और इसको कैसे लगाते हैं इसका भी रहता है कि आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में पहले लगाना है, क्योंकि एक साइड जो है
थिकनेस एक का कम है और एक का ज़्यादा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर वो वीडियो नहीं देंगे तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखो, ठीक है। तो दोस्तों ये बच गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, नियोप्रेन इनर रिंग, और इसको क्या बोलते हैं, नियोप्रेन आउटर रिंग, ठीक है। नियोप्रेन इनर रिंग कहाँ लगा रहता है, जो हमारे पास आर्मर क्लैंपिंग नट है उसमें लगा रहता है, ठीक है, ये ऐसे लगा रहता है, ठीक है। और आउटर रिंग जो है, नियोप्रिन आउटर रिंग, ये कहाँ पे लगा रहता है, पहले लगा रहता है ये स्किड वाशर, ये स्किड वाशर अंदर जाता है, उसके बाद से जो है नियोप्रिन आउटर रिंग जाता है, ठीक है। अपने ये पूरे पार्ट टू पार्ट नाम जान लिया, मैं एक इसका कैसे कौन से साइज किस केबल में लगेगी ये वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि आर्मर केबल में जो ग्राइंड लगा रहता है उसका क्या नाम है, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। अब अडाउट आर्मर केबल के ग्राइंड में क्या लगा है, इसका इसमें क्या क्या लगा है और इसका क्या नाम है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, दोनों का जो नाम है वो सेम ही नाम है, ठीक है, जो भी है। सिर्फ जो विदाउट आर्मर केबल जो रहता है ग्राइंड, उसमें सिर्फ जो आर्मर क्लैंपिंग कोन और आर्मर क्लैंपिंग रिंग जो लगा रहता है वो नहीं रहता है। तो दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, वो रहेगी आपके ग्लाइंड पे, और उसमें इस वीडियो में ये देखेंगे कि ग्लाइंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मतलब सिलेक्शन के मतलब ये है कि कितने स्क्वायर एमएम का केबल रहेगा, कितने कोर का केबल रहेगा, उसमें कौन सा नंबर का ग्लाइंड लगेगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ में एक आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा और फोटो भी पूरा शेयर करूंगा कि आपको ग्लाइंड का सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।